आप देख रहे हैं YouTube चैनल मलिक ट्रैक्टर। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत अमेजिंग और भी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हमारे पास है 640 ट्रैक्टर्स, 83 मॉडल है और बहुत पुराना मॉडल है, कंडीशन 10x10 है। और उसकी मार्केट रिटेल क्या है और उसका मतलब कैसी कंडीशन है, ये आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी दिखाने वाला हूँ। तो उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल मलिक ट्रैक्टर्स पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल मलिक ट्रैक्टर्स को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे कि बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की हर नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप भाई तक पहुंच सके। दोस्तों ट्रैक्टर का पुराना मॉडल है लेकिन उसकी कंडीशन जो है बहुत ही अच्छी पड़ी हुई है और आप उससे किसी भी कोई भी काम ले सकते हैं। और उसकी कंडीशंस सारी डिटेल्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं ट्रैक्टर की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास ट्रैक्टर आ चुका है। दोस्तों इसका फ्रंट देख सकते हैं, इधर से ये थोड़ा सा टूटा हुआ है और आप इसका कलर देख सकते हैं, कलर काफ़ी ज़्यादा उतर चुका है लेकिन बहुत कम उतर चुका है। तो इधर आप आ जाते हैं इंजन पर, तो ओवरऑल इंजन बहुत अच्छी कंडीशन में पड़ा हुआ है और आप गैस पंप देख सकते हैं, गैस पंप के ऊपर हल्की सी मिट्टी गई हुई है और बाकी चीज़ें इसकी बिल्कुल फिट पड़ी हुई हैं। और बकायदा आप टायर देख सकते हैं और इसके अलावा दोस्तों आप गियर, बड़ा टायर और इसका जो टायर है वो भी अच्छी कंडीशन में पड़ा हुआ है। और आप आ जाते हैं बैक साइड में तो इसकी बैक साइड आपको अच्छी कंडीशन में मिल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं बैक बैक साइड बहुत ही अच्छी कंडीशन में है और इसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी पड़ी हुई है। और माड़ी गार्ड आप देख सकते हैं, माड़ी गार्ड के ऊपर कितनी मिट्टी है, तो मतलब बस ठीक है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। और इस पर पानी की टैंकी लगाई गई है जिससे हम काम कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरह की मतलब पानी वाली टैंकी है। और ये भी बहुत ही मतलब एक नहीं काफ़ी ज़्यादा बड़ी टैंकी है और ये बहुत ही अच्छी कंडीशन है इसकी, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो ट्रैक्टर का ओवरहाल कंडीशन है वो 10x10 क्या है ना है यार तेरा। और आप खुद ही देख सकते हैं, जो इसके रैम रिम है वो भी ठीक है, बस अभी न्यू डलवाए थे तो टायर भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, रिम भी बहुत अच्छा पड़ा हुआ है। इधर आ जाते हैं टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स में अगर कोई चीज़ आपने रखनी होती है तो आप चीज़ रख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल मलिक ट्रैक्टर्स पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल मलिक ट्रैक्टर्स को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की हर नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप आए तक पहुँच सके। दोस्तों ये आप डीजल फिल्टर की जगह देख सकते हैं, यहाँ पर डीजल फिल्टर भी लग चुका है और सारा काम मतलब इसका टोटली अच्छा हो चुका है। और ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, जो कि पुराना मॉडल है, ये 83 मॉडल है, तो 640 ट्रैक्टर है और इसकी काफ़ी ज़्यादा मतलब चलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इस पर इसका कलर उतर चुका है। तो फ्रंट टायर यानी कि रिम भी बहुत अच्छी कंडीशन में पड़े हुए हैं और इसकी जो ओवरऑल कंडीशन है आप छत देख सकते हैं, इस पर कोई भी डेकोरेशन नहीं की गई, सीट भी बिल्कुल सादा है और कोई भी इस पर किसी भी किस्म की डेकोरेशन नहीं की गई, ये बिल्कुल सादा ट्रैक्टर है 640 और आप इस पर इजीली कोई भी बड़ी से बड़ी ट्राली हो आप ले जा सकते हैं इससे। तो इसकी लाइट भी आप देख सकते हैं, लाइट के ऊपर थोड़ा सा कलर किया हुआ है और यहाँ पर आप मोटर देख सकते हैं, सिलेंडर्स और यहाँ पर सिलेंसर भी आप देख सकते हैं, सिलेंसर भी लगाया गया, सिलेंडर और साथ में गैस पंप भी लगा चुका है। और इसकी तो बहुत अच्छी डिमांड चल रही है आजकल,
क्योंकि ये पुराना मॉडल है, 83 मॉडल है, तो इसकी मतलब काफ़ी ज़्यादा मार्केट में डिमांड है। तो आप इसकी मतलब बैक साइड देख सकते हैं, बैक साइड बिल्कुल क्लियर पड़ी हुई है और यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को अटैच कर सकते हैं। और जो इसका मॉडल है वो बहुत ही प्यारा मॉडल है, इस पर नंबर प्लेट नहीं है और बाकी इसका सारा कंप्लीट हो चुका है।